फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीटा भाटिया। तो देखिए, आज हम इनकी आईब्रो थ्रेडिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कितने डिफ़िकल्ट आईब्रोज है, इसमें कट है। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे भी ग्रोथ कम है। तो देखिए हमें आईब्रो कैसे बनाते हैं, तो चलिए आईब्रो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आईब्रो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हेयर है, लॉन्ग हेयर है, वो आईब्रो बनाने से पहले हम उसे कट कर लेंगे ताकि वो हमारे धागे में न फंसे और हमारे आईब्रो का शेप अच्छा रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कट देख सकते हैं। इनको छोटे थे तो बचपन में इन्हों कट लग गया था यहाँ पे, तो वहाँ पे हेयर नहीं आए हैं देखिए। और जो कॉर्नर है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम ग्रोथ है, लेकिन हम कॉर्नर में ट्राई करेंगे शेप देना। तो टेलकम पाउडर यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो चलिए आईब्रो बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप जो भी थ्रेड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखिए उसे अच्छे से टाइट रखना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे जो छोटे छोटे बेबी हेयर है उसे क्लीन करेंगे अच्छे से। याद रखिएगा कि आप जितना अच्छे से क्लीन करेंगे उतना ही आपका परफेक्ट आईब्रो दिखेगा। देखिए छोटे छोटे हेयर नहीं रहने चाहिए नीचे। और देखिए यहाँ पे हम शेप दे रहे हैं कॉर्नर का, तो देखिए एक्स्ट्रा जो हेयर है उस सारे को क्लीन कर लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी दूसरी भी चैनल है उसे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है अलग अलग शेप की है फ्रेंड्स, आईब्रो थ्रेडिंग की वीडियो। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप सारी वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आईब्रो यहाँ पे बन गई है। देखिए हम यहाँ पे बिना पकड़ाए ही यहाँ पे हम निकाल रहे हैं हेयर, लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हमें प्रैक्टिस है इसलिए हम ये कर रहे हैं, आप मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पकड़ा के ही करना है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे ऊपर शेप दे रहे हैं, तो क्लाइंट को पूछेंगे फ्रेंड्स और उसके बाद ही हम शेप देंगे। मोटी रखनी है, पतली रखनी है, कैसे भी रखनी है आप क्लाइंट को पूछने के बाद ही बनाएंगे आईब्रो। और हम भी ऐसा ही करते हैं, उनके मुताबिक उनकी मर्जी की ही हम बनाते हैं। देखिए आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहेंगे और हेयर को निकालेंगे शेप देते वक्त। देखिए यहाँ पे हमारी आईब्रो डन हो गई है, तो अब हम दूसरी ओर की आईब्रो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, ऊपर से शेप दे रहे हैं और फिर बाद में नीचे से देंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले ऊपर ही शेप दे और फिर बाद में नीचे दे, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से ही देखिए बनाते हैं आईब्रो, और आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर से शेप दे दिया है, अब हम पीछे से देंगे। देखिए जो टेल है हमारा वो हम दोनों साइड से कंपेयर करने के बाद ही अच्छे से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ग्रोथ कम है तो वो भी बहुत ही ध्यान से हम हेयर को निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए और अब हम नीचे के जो हेयर है उसको रिमूव करेंगे। और अब यहाँ पे हम कौन सा थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उस
सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। आप ऑनलाइन जाके भी परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आपको हेयर को निकालना है। और एक और बात भी कहना चाहती थी फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट करते हैं कि इनके नेल्स बहुत ही गंदे हैं, लेकिन क्या करें, देखिए सारे कस्टमर के तो हम नेल्स को चेक नहीं कर सकते। हमारे जो कस्टमर आते हैं उसी पे हम लोग वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो देखिए गांव से लोग आते हैं तो उनके नेल्स ख़राब हो सकते हैं, सारे लोगों के क्लीन नहीं होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए हमारी आईब्रो यहाँ पे बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब फिनिशिंग हमें लग रहा है कहीं से ज़्यादा कम, तो हम उसे भी ठीक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिनिशिंग देने के लिए जहाँ पे थोड़े से कम ज़्यादा हेयर लग रहे हैं उसे अच्छे से कट करके अच्छे से शेप में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना अच्छा आया है फ्रेंड्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आया है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।